मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए रियली सॉरी। और आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी स्नैक्स रेसिपी। उसमें क्या जाएगा? ये भुने हुए चने हैं, हरी मिर्च है, ये मूंगफली है और ये है करी पत्ता। और जो ये स्नैक्स रेसिपी बनाऊंगी ना, ये मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल में ना बहुत टेस्टी बनती हैं ये, एक स्मोकी फ्लेवर की ये स्नैक्स बन जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मस्टर्ड ऑयल में इसे बनाना। बाकी आपके पास कोई भी ऑयल है, कोई भी आपके पास घी है, आप उसमें भी बना सकते हो। और ये जो है घर का बना हुआ बेसन है, और ये जाएगा सफ़ेद तिल है, ये सूजी है और कुछ स्पाइसेस हैं इसमें, वो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत हेल्दी और डिलीशियस स्नैक्स रेसिपी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक या फाइन जो है आटा नहीं बनाना है इसका। तो मैं इसको दरदरा पीस लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसी दरदरी पीसनी है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है इनका। बॉल में डाल लेंगे अब इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 चम्मच डालेंगे बेसन, 1 चम्मच डालेंगे सूजी, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। और जो भी मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ ना, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा मिर्चें डाल लेना, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। एनीवे, जितनी भी स्पाइसेस हैं जो इसमें मैंने डाली हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा मोयन, और जो मोयन जो डलेगा ना, वो तेल नहीं डालना है, इसमें घी डालना है। घी क्यों डालना है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। घी डालने से ना, जो भी आप स्नैक्स रेसिपी बनाते हो या कोई नमकीन बनाते हो, मठरी बनाते हो, तो वो खस्ता बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ जाता है और खस्ता भी बनती है। सो इसमें घी जाएगा और घी इतना डालना है ताकि हम इसको मिक्स करने के बाद जब इसको मुट्ठी में लें तो एक लड्डू की फॉर्म में बन जाए ये। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखो, ये ऐसे बन जाना चाहिए। अब इसको ना गर्म पानी में भिगो के और एक सख्त डो बनाना है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसको मैं भिगो लेती हूँ। अब ये देखो, ये थोड़ा सा सॉफ्ट डो है क्योंकि इसमें सूजी डाली है, और अब ये सूजी फूलेगी तो ये डो जो है वो टाइट हो जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखो, अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है, यानी जैसे मठरी बनती है ना, वैसे इसको हमने बनाना है। ये देखो, ये ऐसी बनानी है। तो मैं सारी बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ऑयल हो गया है गरम और इसको चेक कर लेते हैं। और ये जो है, ये पूरे मैंने बना लिए हैं। अब तेल को चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल। जब इसमें मठरी डालते हैं तो एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए, धीरे 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 ऊपर आनी चाहिए। तो इतना ही टेम्परेचर रखना है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है।
और थोड़ा सा को ठंडा करके और फिर डालेंगे। अब डाल देते हैं ये मसाला मठरी, और ये जो है बहुत मोटी नहीं बनानी, देखो इतनी मोटी बनानी है, और सिम आंच पे इसको पकाना है। जब मठरी को तेल में डालेंगे ना, तुरंत बाद इसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। अब ये धीरे धीरे जैसे ऊपर आएंगी ना, उसके बाद इसको पलटना है, और जब ये ऊपर आ जाए तब थोड़ा सा जो आँच है वो थोड़ी सी बढ़ानी है, यानी मीडियम फ्लेम रखनी है। जब इसको स्टार्टिंग में डालोगे तो सिम आँच पे डालोगे, और जब ये फूल के ऊपर आ जाएंगी तब मीडियम आँच करनी है, ये ध्यान रखना इस बात का। अब इसको पलट देंगे, ये देखो अब ये हो चुकी हैं, और इनको निकाल लेते हैं। ये देखो इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन गई है, और अब दूसरे डाल देते हैं। तो ये जो है स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये, आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखना, और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हो अगर चाहें तो, लेकिन अगर इसको डीप फ्राई करके खाओगे ना बहुत टेस्टी बनेंगे यार। कभी कभी तो डीप फ्राई चीज़ें खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा हेल्थ कॉन्शियसली नहीं रहना चाहिए, है ना। तो आप ये बना के खा सकते हो, कि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हेल्दी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, ग्लूटेन फ्री है ना, तो आप ये आसानी से खा सकते हो। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय।